जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र देव 1 अगस्त से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मालव्य योग बना रहे हैं और सम शतक योग बना रहे हैं। अब मालव्य योग क्या है, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, साथ ही साथ जो सम शतक जो योग बना हुआ है उससे क्या हानि क्या नुकसान होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुक्रदेव जो है 1 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं, जिसमें कि करीबन 8 राशियों के लिए वो खुशियां खुशखबरियों से चीज़ें भर देंगे। उनकी उनका जो जीवन है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट विषय पे मित्रों बात कर लेते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संस्थान के जो नंबर हैं 7210124280 से लेकर 7210124289 तक ही मित्रों हमारे संस्थान के नंबर है। इसी द्वारा ही मेरे द्वारा ही आपको कॉल आएगा या जो संपर्क होगा वो इनके द्वारा ही होगा। इसके अलावा, इस सीरीज़ के अलावा मित्रों, किसी भी नंबर से आपके पास कॉल आता है वो फर्जी कॉल है। कृपया करके उनकी बात पे विश्वास मत करना, मैं यही कहूँगा। आजकल बहुत ज़्यादा फर्जी पना चला हुआ है समाज के अंदर, उससे आप थोड़ा सा सचेत रहें। दोबारा बोल देता हूँ, हमारे जो नंबर की सीरीज है 7210124280 से लेकर 7210124289 तक हमारी सीरीज़ है, जो कि आपको दिखती भी है। तो ये पूरी की पूरी 0 से लेकर 9 नंबर की सीरीज़ है। इसके अलावा मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है, ना मैं किसी को पर्सनल नंबर कभी देता हूँ मित्रों, ठीक है जी। इसलिए उस चीज़ पे बिलीव मत करना, इसी से मैं बात करता हूँ, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो शुक्र जो 1 अगस्त से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं मित्रों, तो कहीं ना कहीं शुक्र मंगल और राहु तीनों एक साथ बैठेंगे। इससे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि भारत पे क्या असर होगा। देखिए, शुक्र के साथ में जब भी राहु बैठता है तो वो लज्जित दोष बनाता है। ऐसे में क्या होता है, सबसे पहला लज्जा, यानी कि लज्जा का सामना करना पड़ता है, यानी कि नेताओं के बीच में मारपीट बढ़ेगी, आरोप प्रत्यारोप बढ़ेगा, ठीक है। ऐसी स्थितियां आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेगी। साथ में शुक्र और मंगल एक साथ होने से तटवर्ती इलाकों में प्राकृतिक प्रकोप के योग बनते हैं। साथ ही साथ, क्योंकि शुक्र जो है कला का, संगीत का, फिल्म का स्वामी होता है, तो फिल्मी जगत में अगस्त के महीने में कोई बड़ा हाहाकार आपको सुनने में दिखेगा। ये तो अगस्त के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि शुक्र की राशि से, शुक्र के राशि परिवर्तन से आप लोगों में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले ये जानिए कि शुक्र किस किस का कारक है। देखिए, शुक्र संतान का कारक है, शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र नए कॉन्ट्रैक्ट का कारक है, शुक्र जो है खुशखबरी का कारक है, शुक्र रुका हुआ काम बनाता है। ये सब चीज़ें जो है शुक्र बनाता है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि का इसके शुक्र के परिवर्तन से पहला तो यात्रा के योग मेष राशि वालों के बन रहे हैं और रिश्तेदारी में कोई ना कोई खुशखबरी, संतान विवाह से संबंधित या कोई ना कोई खुशखबरी आपको अगस्त के महीने में मिलेगी। वृषभ राशि की अगर बात कर ले तो वृषभ राशि पे जो शुक्र का मिथुन राशि में परिवर्तन है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो धन का इनको लाभ देगा, ठीक है। विदेश से इनको पैसा आ रहा है, ऐसा योग आ रहा है। साथ ही साथ कोई ना कोई खुशखबरी, काम से संबंधित, नौकरी से संबंधित, नए काम से संबंधित आपको खुशखबरी अगस्त के महीने में मिलने वाली है। ये शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण हो रहा है। तीसरा, मिथुन राशि के अंदर अगर देखा जाए तो सम सप्तक योग भी बना हुआ है। अब सम सप्तक क्या है, शुक्र जो है मिथुन राशि में, गुरु जो है धनु राशि में, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे के शत्रु हैं। एक देवों का गुरु, एक दानवों का गुरु, लेकिन इसमें जो बलशाली है वो शुक्र देव, और शुक्र देव जब अपनी राशि में बैठता है तो उसको अच्छा फल देने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मिथुन राशि वालों को रिजल्ट मिलेगा। पहला, अगर संतान से संबंधित आपको रिजल्ट मिलेगा, संतान नहीं हो पा रही है तो संतान से संबंधित आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, रिश्तेदारी के अंदर विवाह या संतान से संबंधित या संतान के काम होते हुए नजर आएंगे, या विवाह अगर रुका हुआ है, विवाह नहीं हो रहा, विवाह में अनबन चल रही है, प्रेम में अनबन चल रही है, मन मुटाव चल रहा है, तो उसके वो भी सॉल्व होने का आपको योग
दिखेगा अगस्त के महीने में। साथ ही साथ आप कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि की जहाँ तक बात करें, एक तो शुक्र जो मिथुन राशि में जाएगा तो कर्क राशि को धन दे लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं इनको छोटा मोटा धन का लाभ होगा, नए काम के इनके योग अगस्त के महीने में बन रहे हैं। साथ ही साथ आप सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में जो शुक्र का जो परिवर्तन है, एक तो इनको नया काम की शुरुआत होगी, यात्रा छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है, प्लस काम में कोई खुशखबरी होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आप कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि को भूमि या वाहन से संबंधित कोई खुशखबरी प्राप्त होगी, या भूमि खरीदने का मौका मिलेगा, वाहन खरीदने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो प्रेमी और प्रेमिका के जोड़े हैं उनमें जो रूठना बनाना चल रहा है वो विवाद भी शॉर्ट आउट होगा, ठीक है। नई मित्रता के भी युवा लोगों के योग बन सकते हैं। साथ ही साथ आप तुला राशि की बात करें, तुला राशि का जो शुक्र का परिवर्तन, एक तो संतान के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, दूसरा नौकरी में कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको प्राप्त हो रही है। अगर आप व्यापार भी कर रहे हैं उसमें आपको सीखने को मिलेगा, बुरे लोगों के जो बुरे सच्चे वो सामने आएंगे, आपके प्रकट होंगे, जिससे कि आपका व्यापार अच्छा चलेगा, यानी कि बुरे लोगों की चोरी पकड़ में आएगी आपके सामने अगस्त के महीने में। और वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो वृश्चिक राशि वालों का कहीं ना कहीं ये जो शुक्र से जो मिथुन राशि में परिवर्तन हो रहा है, एक तो धन का हानि हो रही है, पहला चीज़, वाद विवाद के योग आ रहे हैं, वाद विवाद आपके कलीग से वाद विवाद होगा, ठीक है, आपके परिवार में वाद विवाद के योग नज़र आ रहे हैं। अब धनु राशि की अगर हम बात करें तो धनु राशि में क्योंकि सम सप्तक योग बना हुआ है, यानी कि गुरु जो है धनु राशि में बैठा, उस पर शुक्र की दृष्टि है जिसको अच्छा नहीं माना जाता, जिससे आपको क्या है काम में हानि होगी, जो नया काम सोचने की करने की सोच रहे हो उसमें बहुत अड़चने आएंगी। साथ ही साथ नई पार्टनरशिप आप सोच रहे हो या नया काम करने की सोच रहे हो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, रिलेशन में भी कटुता रहेगी। मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि के लिए भी शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, धन हानि के योग नज़र आ रहे हैं, पैसा डूबने के योग नज़र आ रहे हैं, तो मकर राशि वाले शेयर में निवेश ना करें अगस्त के महीने में, ये अच्छा रहेगा। साथ ही साथ कुंभ राशि की अगर बात करें तो कुंभ राशि के लिए जो राशि परिवर्तन है, कहीं ना कहीं धन लाभ लेके आ रहा है, रुका हुआ पैसा इनको मिलेगा, प्रेम सौहार्द इनको प्राप्त होगा, परिवार में भी कोई खुशखबरी अगस्त के महीने में, कोई पार्टी कोई फंक्शन होगा। साथ ही साथ अब मीन राशि की बात करें तो मीन राशि का काम में अच्छा हो रहा है, काम में कुछ ना कुछ मेजर परिवर्तन अगस्त के महीने में आ रहा है, रिलेशनशिप में भी जो कटुता चल रही थी उसमें भी आपका शॉर्ट आउट होगा, और धन भी आपको अगस्त के महीने में अनएक्सपेक्टेड प्राप्त होगा। तो मित्रों ये था मिथुन राशि में जब शुक्र जाएंगे उनका क्या 12 राशि पे इफेक्ट होगा। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी मित्रों।